आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट पेन के ऊपर। लाइट पेन क्या एक इनपुट डिवाइस है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने माउस, डिजिटाइज़र और ऑप्टिकल माउस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जो भी एक इनपुट डिवाइस है। आज हम करेंगे लाइट पेन के ऊपर, यानी कि लाइट पेन क्या होता है। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसकी हम वर्किंग देखेंगे कैसे काम करता है और इससे हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख ले लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, इट डिटेक्ट लाइट। ये लाइट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। आपको थोड़ा बड़ा हो गया है, देखिए। इट डिटेक्ट लाइट नॉट यूज़ फॉर राइटिंग, मतलब ये राइटिंग के लिए काम नहीं आता। जैसे हम आपको डिजिटाइज़र में मैंने आपको बताया हुआ है, डिजिटाइज़र के ऊपर हम लिखते हैं मगर इससे हम लिख नहीं सकते। इसे सिर्फ एक लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करती है, ये एक तरह से जो स्क्रीन के ऊपर होते हैं। इट डिटेक्ट लाइट नॉट यूज़ फॉर राइटिंग, इट इज़ यूज़ टू मेक द मोनीटर टच स्क्रीन। जो पुराने मोनीटर होते हैं उनको टच स्क्रीन बनाने के लिए हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। लाइट पेन कॉन्टेन अ लेंस दैट फोकस लाइट फ्रॉम कंप्यूटर मोनीटर इन टू फोटोवोल्टिक सेल। लाइट पेन क्या करता है, एक लेंस लगा हुआ है लाइट पेन के आगे, दैट फोकस लाइट फ्रॉम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से डिटेक्ट करता है लाइट इन टू फोटोवोल्टिक सेल, और आगे किसको जाता है, उसको आगे फोटोवोल्टिक सेल को दे देता है ये लाइट। सपोज़ करें यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। उसके आगे हमने ये लेंस लगा, ये जो मतलब लाइट पेन है उसके ऊपर हमने लाइट पेन रखना है। ये लाइट पेन बिल्कुल आपको सीधी पोजीशन में रखना है, इसको आप टेढ़ा रखोगे तो ये काम नहीं करेगा। ये आपने नोट मतलब याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये लेंस है, लेंस के बाद क्या है, ये लेंस उसके बाद ये आ गया फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो इलेक्ट्रॉन उनको डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये यहाँ पे कंट्रोल बटन और ये एम्पलीफायर जो सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, ये इलेक्ट्रिकल पल्स। ये लाइट पेन का काम। एज द मोनीटर इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू लेंस सेल एमिट एन इलेक्ट्रिक पल्स। जैसे ही मोनीटर के इलेक्ट्रॉन जो पास होते हैं बीम से, इसके अंदर से लेंस सेल एमिट एन ये इलेक्ट्रिक पल्स प्रोड्यूस करते हैं लाइट पेन। लाइट पेन प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक पल्स। उसके बाद क्या है, पल्स इज सेंट एज अ डिजिटल सिग्नल एंड कंप्यूटर डिटरमाइन लोकेशन ऑफ अ पेन ऑन द स्क्रीन। जो पल्स है यानी कि पल्स इज अ सेंट टू डिजिटल सिग्नल, जो पल्स है वो डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफ़र कर देता है और कंप्यूटर डिटरमाइन करता है कि लोकेशन कहाँ है पेन की ऑन द स्क्रीन। ही टच ऑफ लाइट पेन कंट्रोल बटन टेल द पोजिशन ऑन द स्क्रीन। ये बता देता है कि लाइट पेन हमने कहाँ टच किया हुआ है कंप्यूटर की पोजिशन मतलब स्क्रीन के ऊपर, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे पॉइंट है उसका। आपको देखिए यहाँ लेंस सपोज करो यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। जैसे ही आप इस लाइट पेन को कंप्यूटर की स्क्रीन पर रखोगे, आपने यहाँ पे लाइट पेन रख दिया, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मतलब जो स्क्रीन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो डिटेक्ट करेगा ये लेंस उसको ट्रांसफ़र करेगा आगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल को। फोटो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक पल्स है उसको सिग्नल को कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक पल्स है जो सिग्नल कन्वर्ट करेगा और ये एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को, ये डिजिटल सिग्नल पास करेगा। ये देखिए यहाँ पे वायर लगी हुई है, डिजिटल सिग्नल पास करेगा स्क्रीन को और यहाँ पे स्क्रीन को पता चल जाएगा कि उसने कहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है लाइट पेन ने। ये यहाँ पे कंट्रोल बटन है इसका, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। ये लाइट पेन की वर्किंग, ये यहाँ से लाइट पेन की वर्किंग के 4 पॉइंट, ये कैसे वर्क करता है और ये लाइट पेन क्या होता है। उसके बाद इसके आपको एक रियल डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए कैसे यूज़ करने हैं लाइट पेन को। यहाँ पे कोई भी लिखा हुआ है, ये पुराने मॉनिटर स्क्रीन होते हैं उसको हम अगर टच स्क्रीन बनाने तो हमें लाइट पेन यूज़ करते हैं। ये देखिए लाइट पेन इसने पकड़ा हुआ है, लाइट पेन बिल्कुल इसने सीधा रखना है ये लाइट पेन, तभी ये वर्क करेगा। और इसके अंदर सिग्नल जाता है इलेक्ट्रिक पल्स को, ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके इसको स्क्रीन को बताते हैं कि मॉनिटर को कि कहाँ पे लाइट पेन टच हुआ है, जिससे हम इसके साथ वर्क कर सकते हैं। तो ये थी लाइट पेन की वर्किंग। आई होप आपको ये लाइट पेन की वर्किंग समझ में आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू।